श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीरामजय रामजय जय जय राम श्रीरामजय रामजय जय जय राम वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमाळन्दिवल्लभं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सगुरु पातुम सदा आदापर्ता दाता सर्वसपा लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूय नमा मेरा मन आज बहुत आह्लादित है कि विश्व प्रसिद्ध चिन्मय मिशन के मूल केंद्र से आज मुझे कुछ विचार इस राम नवरात्रि के पावन पर्व पर व्यक्त करने हैं सर्वप्रथम मैं उस अत्यंत श्रेष्ठ प्रातस्मरणीय महापुरुष ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज का श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ उनके पुण्य स्मृति में मेरा अभिवादन श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूँ जिन्होंने संपूर्ण विश्व में हमारी संस्कृति का हमारे वेदांत का डंका बजाया और अपनी अत्यंत विलक्षण भाषा में उन्होंने शिक्षित युवा पीढ़ी को हमारे धर्म की ओर हमारे प्राचीन ज्ञान की ओर मोड़ा और भारत के भविष्य के निर्माण में एक अत्यंत बड़ी अहम भूमिका निभाई मुझे बड़ा आह्लाद है मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं कि उनकी सेवा में कुछ काम करने का अवसर मुझे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से प्राप्त हुआ था वे पुण्य स्मृतियां आज भी मुझे रोमांचित करती हैं सादीपनी साधनालय है। यह आज भी उस ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है जिस ऊर्जा का निर्माण पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी ने किया और आज वहीं से हम लोगों को संपूर्ण विश्व में आज जिसका कुछ अधिक मात्रा में बोलबाला है ऐसे भगवान श्री राम का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है मित्रों हम भारतीय संस्कृति के सारे उपासक वेदों के अनुगामी हैं हमारी संस्कृति वेदोद्भूत संस्कृति है वेद हमारा परम धन है और इन चारों वेदों का किंबहुना संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सार एक महाभारत में प्राप्त होता है और इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया भारतम पंचमो पंचमोवेदहा इस प्रकार की उसकी महत्ता गाई गई है अब इस संपूर्ण महाभारत के एक लाख से अधिक श्लोकों में से सार निकालते हुए हमारी परंपरा ने पांच रत्नों को चुना और उन पांच रत्नों में एक रत्न है विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के भीष्म में महाभारत के शांति पर्वों में और अनुशासन पर्वों में राजर्षि भीष्म का उपदेश हम लोगों को सुनने मिलता है उसमें स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा को धर्म सर्वधर्मा भवत परमो मतः किन जपन जंतुर जन्म संसार बंधनात् यह प्रश्न पूछा गया धर्म सर्वधर्माण भवत परमो मतः प्रश्न का स्वरूप ध्यान में लीजिए मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है और इसका उत्तर देते समय जो पहली बात राजदर्शी भीष्म ने बताई वह जगत प्रभु देवदेव अनंत पुरुषोत्तम स्तुवं नाम पुरुष सततोत्थित उन्होंने विष्णु सहस नाम की भूमिका बांधते हुए यह बताया कि इस विष्णु सहस नाम का पाठ करते रहना इसका पारायण करना इसके आवर्तन करते रहना यह मनुष्य के उद्धार के लिए अत्यंत उपयोगी बात है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन्होंने विष्णु सहस्र नाम को दिया और इस विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व तो भगवान आदिशंकराचार्य महाराज भी अपनी पावनवाणी से गाते रहे हैं गेय नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम दीन जनायितम ने सज्जन संगी चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम इसमें उन्होंने भगवत गीता और सहस्त्र नाम का पाठ यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्वाध्याय के रूप में सबके लिए बताया सारा नाम यदि कोई नहीं पढ़ सकता है तो उसे क्या करना चाहिए नाम संस्कृत भाषा में है सहस्त्र नाम को पढ़ने में अधिक समय भी लग सकता है जो पढ़ सकते हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए लेकिन बड़ी खूबी की बात सामान्य से सामान्य साधक के लिए हमारे ऋषियों ने बताई सहस्त्र नाम न भी पढ़ पाए तो आप केवल राम जी का नाम लीजिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्ल्यम राम नाम वरानने सुप्रसिद्ध राम रक्षा स्त्रोत्र में साक्षात भगवान शिवजी की वाणी बुध कौशिक ऋषि ने हम लोगों को बताई और वे कहते हैं कि सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने भगवान श्री राम का नाम यह सहस्त्र नाम के तुल्य है और इसलिए राम नाम का जब आप जप करना आरंभ करते हैं तो सहस्त्र नाम के पाठ का सारा का सारा फल आप लोगों को प्राप्त हो जाता है नाम की महिमा नाम की महिमा हमारे ऋषियों का हमारे संतों का अत्यंत प्रिय विषय है और इस नाम की महिमा से हमारा सारा पुराण में भरा हुआ है नाम की महिमा से हमारे देश के हर प्रदेश की भाषा में विपुल वांग्मय हम लोगों को संतों के द्वारा दिया हुआ मिलता है सबका उल्लेख करने जितना समय नहीं है लेकिन केवल भगवान नाम का अत्यधिक प्रचार करने वाले गौरांग महाप्रभु का ही नाम ले लिया जाए तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही नाम, नाम कारि भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए नाम, नाम कारि बहुधा नियमित तपिता निमित काल तव कृपा भगवन्म्मा दुर्दमी दृश मिहाजनि नानुराग कितनी बड़ी कृपा प्रभु की है कि उन्होंने हजारों हजारों नामों को प्रकट कर दिया हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि ये हजारों नाम नहीं है ये तो हजारों नौकाएं हैं इसमें से किसी भी नौका को उपलब्ध करके आप उसमें विराजमान हो जाते हैं तो अपने आप इस भव सागर को पार हो सकना आपके लिए सहज संभव हो जाता है नामरूप नौका हमारे संतों को अत्यंत प्रिय है और संतों ने इसका व्यापक प्रचार किया कभी कभी मित्रों ऐसे लगता है कि हमारे बहुत अधिक वेदांत पढ़ने वाले जो विद्वान लोग हैं अथवा जो आधुनिक सुशिक्षित लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि नाम का जो साधन है ना भोले भाले लोगों के लिए है उत्तम वेदांतियों को उससे क्या करना है उत्तम वैदिकों को उससे क्या करना है साधन करके भी अध्ययन करके भी जो भूले हम करते हैं उन भूलों में यह एक अत्यंत बड़ा प्रमाद है कि हम नाम की महिमा को जानते नहीं नाम की महिमा को हमारे शास्त्रकारों ने इतना सुदृढ़ तर्क अनुभूति और श्रुति सिद्धांत के ऊपर आधारित किया है कि उसे किसी भी प्रकार हम गौण नहीं मान सकते आइए आखिर जाकर के वेदांत से भी आप लोगों को क्या प्राप्त करना होता है वेदांत से प्राप्त करना होता है सारे के सारे वेदांत उपनिषद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र इन सबका अध्ययन हम क्यों करते हैं इन सबके अध्ययन का एक ही उद्देश्य होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति कह लीजिए हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा आत्मा जेने रत्न होया। सारा वेदांत पढ़कर के भी आपको प्राप्त क्या करना है आत्मक ज्ञान प्राप्त करना है उपजतकार ने क्या कहा तम भी जाना था आत्मान अन्य वाचो विमुंचत आत्मान विद्धि आत्मा को जानो और उस आत्मतत्व को जानने की ही बात करो अन्य सारी बातें छोड़ दो उस आत्मतत्व को जानने की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रकारों ने कही ऋषियों ने कही और उसके लिए हम लोगों को वेदांत का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया बात तो बड़ी अच्छी है वेदांत का अध्ययन हम उसी लिए करते हैं करना भी चाहिए लेकिन मित्रों बात ऐसी है कि वेदांत का अध्ययन करने का अधिकार किसको होता है ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य के उपोधघात में ही हम लोग देखते हैं कि जिसे आत्मात्म वस्तु विवेक हो गया जिसे भोग विराग हो गया जिसे षट संपत्त प्राप्त हो गई और जिसे मुमुक्षुता निर्माण हो गई नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्रार्थ भोग विराग शमदबादि षट संपत्त और इन चारों साधन चतुष्टयों का इस साधन चतुष्टय का विचार कर लीजिए और फिर थोड़ा सा विचार कीजिए वेदांत पढ़ने की हमारी वास्तव में योग्यता है क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तब हमें वेदांत नहीं पढ़ना चाहिए वेदांत पढ़ते पढ़ते भी वो योग्यता आ जाएगी किंतु मुख्यतया वेदांत अपेक्षा रखता है साधन चतुष्टय की और यह साधन चतुष्टय किसमें है मनुष्य पुराने समय का क्यों न हो और आज का क्यों न हो अनेक प्रकार की व्यथाओं से घिरा हुआ है उसे अपना जीवन भी झंझट लगने जग, लग जाए इस प्रकार की सारी परिस्थिति है और अब तो अत्यंत वेगवान बने हुए इस जीवन में और जिस जीवन में बहिर्मुखता चरम सीमा पर हो गई है ऐसी स्थिति में ये नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा मुत्रार्थ फल भोग विराक्ष मदवादिष्ठ संपत्त और मुमुक्षुत्व इनको प्राप्त करना कितना कठिन है ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया होगा और इसीलिए तो कठोमिषत्कार ने सीधे कह दिया क्षुरस धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयोग वदंती ये मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है जो उस पर चल सकते हैं उनका अभिनंदन लेकिन उनके लिए भी और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी यदि कोई साधन उपयोगी हो सकता है तो वह साधन भगवान के नाम का जप है भगवान का परम मंगलमय नाम है और यह नाम वह सब कुछ दे सकता है जो हमारे ऐहिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों के लिए परिपूर्ण है इतना सब कुछ एक नाम से प्राप्त हो सकता है यह हमारी परंपरा का अत्यंत प्रगल्भ सिद्धांत है और इस नाम के विषय में हमारे ऋषियों ने जो मार्गदर्शन किया वह अत्यंत अनोखा है हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जिनके जैसा कोई योगी मुझे तो संसार में दिखता नहीं उन्होंने सीधे सीधे कहा अरे योग याग विधि एने सिद्धि वायाची उपाधि दम्भ धर्म हरिमुखे मना हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी बात सत्य है कि ज्ञान प्रतिष्ठित साधन है बात सत्य है यज्ञ यागा से समृद्धि प्राप्त होती है लेकिन ये कौन कर सकता है हम लोग जब फिलोसॉफी का अध्ययन करते थे तो हमने एक व्याख्या पढ़ी थी फिलोसॉफी क्या है दर्शनशास्त्र पढ़कर के भी और अनेक दिनों तक श्रेष्ठ अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने के पश्चात भी हमारी स्थिति कैसी होती है एक लेखक ने कहा कि एक अंधेरे कमरे में आंखों में काली पट्टी बांध करके एक काली बिल्ली जो उस कमरे में नहीं है उसको खोजने का प्रयास इसका नाम फिलोसॉफी इसका नाम दर्शन शास्त्र हम जीवन भर वही करते रहते हैं लगभग और अंतोगत्वा तो कहीं पहुंचते नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सीधे कह दिया हो गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जो पूरी प्रत्यु अनेक लकड़ी में पुरानी लकड़ी में गई घुन लग गई और लगी हुई घुन के उस स्थान पर उन चिन्हों में यदि हम कोई अक्षर खोजने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या मिलता है लगभग उसी प्रकार बहुत सारा अध्ययन फिलॉसफी का करने के पश्चात भी लोग संभ्रांत ही रह जाते हैं यह मैंने स्वयं देखा है और इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें एक सीधा मार्ग दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना आरंभ जप यज्ञ से कीजिए नाम यज्ञ से कीजिए मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया एक जप यज्ञ का किया एक नाम का किया जप अत्यंत सरल बात है हम वेदांत पढ़े अच्छी बात हम योगासन प्राणायाम आदि करें बड़ी अच्छी बात हम कर्मकांड के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध बनावे बड़ी अच्छी बात यह सब जो जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है लेकिन यह सब जिन्हें कठिन लगता है उनके लिए क्या मार्ग है तो हमारी परंपरा ने एक सुंदर बात बता दी आप जप करना आरंभ कर दो कहीं पर भी बैठ जाओ हाथ तो में माला ले लो अथवा न लो लेकिन अपने मुख से किसी मंत्र का किसी भगवान नाम का जप करना आरंभ कर दो हमारे सिद्धांत कहते हैं जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया जप करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है भगवान मनु ने यहां तक कह दिया कुरियान नवा कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्चते जप ने वो तो ब्राह्मणों ना तो संशया हमारा कर्मकांड इतना लंबा चौड़ा है कि पूरा कर पाना संभव नहीं है जितना कर सकते हैं उतना कर लेना लेकिन जप करते रहना जप नहीं छोड़ना यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई और यह जब जब मंत्रों का किया जाता है तो उनमें भी कुछ शौचाचाराधिक नियमों के पालन की आवश्यकता हो जाती है लेकिन यह जब जब भगवान के नाम का किया जाता है तब उसमें वह भी नियमों की कड़ाई अपने आप गलित हो जाती है हमारे वैदिक मंत्र हमारे पौराणिक मंत्र और हमारे भगवान का मंगलमय नाम इनमें अंतर क्या है सरलता एक बहुत बड़ा अंतर है इसको ध्यान में लेना आवश्यक है और यह सरलता कितनी गायत्री मंत्र बहुत श्रेष्ठ है मान्य है लेकिन गायत्री मंत्र के जप के साथ शौचाचार लगा हुआ है बिना स्नान किए आप गायत्री का जप नहीं कर सकते रात्रि में गायत्री का जप नहीं कर सकते अशौच के समय आप गायत्री का जप नहीं कर सकते किसी भी वैदिक मंत्र का जप नहीं कर सकते और आज के आपाधापी के इस समय में व्यक्ति को समय निकाल करके सारे शौचाचार का पालन करते समय पालन करते हुए यदि कुछ साधन करना है तो सरलतम साधन हमारे शास्त्रकारों ने कहा आप नाम का जब आरंभ कीजिए कौन से नाम का अरे भगवान के नाम का श्री भगवान के कौन से नाम का किसी भी नाम का नाम, नाम कारी बहुधा कितने नाम भगवान के हमारे छात्रों में हम लोगों को प्राप्त होते हैं योग सूत्रकार स्वयं तस्य प्रणव तपस्त तस दर्थ भावनम इस प्रकार कह करके ओंकार की ओर हम लोगों को संकेत करके हमारा ध्यान ले जाते हैं लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए ओंकार अथवा प्रणव वहां पर उपलक्षण है जहां योगशास्त्रकार ने प्रणव कहा है ओंकार कहा है वहां भगवान का कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि आखिर प्रणव भी भगवान का वाचक है उसी प्रकार अन्य भी सारे नाम भगवान के वाचक है कितने सारे यज्ञ बता दिए लेकिन सारे यज्ञों को बतलाने के पश्चात भगवान विभूत योग में जाकर के एक कमाल की बात कह दी कि सारे यज्ञ अपने स्थान पर श्रेष्ठ होने पर भी यज्ञान जपयज्ञा सारे यज्ञों में जप यज्ञ मेरी विभूति है इसका अर्थ जिसने जप करना आरंभ कर दिया उसके लिए अन्य सारे यज्ञ गतार्थ हो जाते हैं अन्य सारे यज्ञ वो करें ठीक नहीं कर सकता है कोई बात नहीं लेकिन जप नहीं छोड़ना चाहिए जप यज्ञ की यह महत्ता भगवान के किसी भी नाम के जप करने की यह महत्ता हमारे शास्त्रों में हम लोगों को प्राप्त होती है म भागवत का अजामिल का प्रसंग आप सब लोगों को पता है सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आगहरम विदु भगवान का नाम किसी भी निमित्त से अपने मुख में आ गया वह हमारे पाप का नाश करता है और हमारे उद्धार के लिए कारण बनता है कथाएं कहने जितना समय नहीं है लेकिन अजामिल का यह उदाहरण हमारे लिए अत्यंत बड़ा अंजन है संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती संकीर्त नारायण शब्द मात्रम एक बात और ध्यान दे लीजिएगा जामिल ने नारायण कहा था वह अपने पुत्र के निमित्त कहा था ठाकुर को नहीं पुकारा था लेकिन दूतों ने यमदूतों के साथ जो आर्ग्यूमेंट किया है उसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया उसने नारायण कह दिया ना बात खत्म उसने अपने पुत्र के निमित्त से कहा है कि भगवान के निमित्त से कहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है जस्ट द फोनेटिक इफेक्ट ऑफ द होली नेम उस नाम के उच्चारण की महिमा नामोच्चारण महात्म्यम यमराज ने स्वयं अपने दूतों से कहा नामोच्चारण महात्म्यम नाम के उच्चारण की महिमा ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि अनेक बार नाम जप करने वाले लोगों के लिए व्यवधान निर्माण करते हुए हमारे शिक्षित लोग ये कहा करते हैं इनका मन तो लगता नहीं है मन तो एकाग्र होता नहीं है फिर मुख से राम 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 करके नारायण नारायण करके इनको क्या मिलने वाला है ऐसा कहने वालों की बातों में कृपा करके मत आइए वो झूठ बोल रहे हैं यस दे आर टेलिंग द लाइज भगवान के नाम में वो शक्ति है आप श्रद्धा रख करके उसका उच्चारण करते बड़ी अच्छी बात है आपकी श्रद्धा नहीं है तब भी आप उच्चारण करते हैं वो नाम आपका उद्धार किए बिना नहीं रहेगा यह श्रुति का सिद्धांत ध्यान में रखिएगा इतना ही नहीं मित्रों हमारी बाहर की अवस्था शुचीरभूत है कि नहीं यह बात तो दूसरी लेकिन हम जिस नाम को ले रहे हैं वो नाम शुद्ध रूप में ले रहे हैं कि नहीं इसका भी बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही उलटो सुलटो उगी है खेत परे जो बीज जिस प्रकार खेती में गिरा हुआ अनाज का दाना वह बीज चाहे उल्टा है चाहे सीधा है लेकिन फसल तो ऊपर ही आने वाली है उसी प्रकार आपके द्वारा लिया गया भगवान नाम शुद्ध है अथवा अशुद्ध है इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं आपको पुण्य ही मिलने वाला है इसका विश्वास रखिए बहकाने वालों के पीछे बन जाइए आपको आज जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उसी को संबल बना करके भगवान के नाम का जप आरंभ कीजिए आगे आपको कहां पहुंचाना है यह सारी जिम्मेदारी जिसका नाम आप ले रहे हैं उस भगवान की हो जाती है इतना विश्वास रखिए यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण तो बात है स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहां राम नाम ले सकते थे अध्यात्म रामायण में कित उन्होंने स्वयं आप भीती बात बताई नारद जी ने राम नाम लेने के लिए कहा डकैती का काम करने वाला रत्नाकर नाम का दस्यु राम नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहा था समर्थ गुरु है देवर्षि नारद जी महाराज उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम राम नाम नहीं ले सकते हो ना मरे ती जप सर्वदा मरा मरा कहो मरा मरा करते करते राम राम अपने आप हो गया और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना यह नाम का चमत्कार है मित्रों नाम चिंतामणि है और इन असंख्य नामों में राम नाम की महिमा अपने स्थान पर और भी विलक्षण है और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज एक विशेष बात करते हैं बंदौ राम नाम रघुवर को बंदौ राम नाम रघुवर को भगवान श्री राम के भी असंख्य नाम हो सकते हैं गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम नाम की वंदना करता हूं क्यों अन्य नामों से राम नाम में कोई विशेषता है अवश्य है सारे नाम अपने स्थान पर आदरणीय है पूज्य है जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसके लिए वही ग्राह्य है लेकिन मित्रों राम नाम अपने स्थान पर एक अद्वितीय नाम है उसकी तुलना अन्य नामों से नहीं की जा सकती ऐसा संतों का अनुभव है और यदि मैं शास्त्र की दृष्टि से देखूं तो काक्षरम ब्रह्म ऐसा जिस ओंकार का वर्णन भगवत गीता ने किया भ्रमीम्योमित्ये तत् ऐसा कठोपष्ट जिसके बारे में कहते हैं तत्व का प्रणव ऐसा भगवान पतंजलि जिस ओंकार के लिए कहते हैं उस ओंकार की मात्राएं और राम की मात्राएं समान है पहली बात मात्रा में ओंकार और राम दोनों समान लेकिन हमारे संत एक बात और कहते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है प्रत्यका महाराज की जपसूत्र गाथा में एक सुंदर बात बताई गई उन्होंने कहा ओंकार की प्रतिष्ठा तो अपने स्थान पर है ही लेकिन राम उसका अनुकल्प है यह अनुकल्प शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जब एक अत्यंत दाहक वस्तु हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो उसको सुपाच्य कैसे बनाया जाए उसे अनुकल्प कहते हैं जैसे आजकल मैं अनेक लोगों को दवा के रूप में गोमूत्र अर्क लेने के लिए कहता हूं अब गोमूत्र का अर्क बड़ी अद्भुत दवा है लेकिन गोमूत्र का अर्क बड़ा तीखा भी होता है इसलिए वो ले नहीं सकते हैं फिर हम उन्हें कहते हैं कि आधा गोमूत्र का अर्क लो आधा उसमें पानी भी डालो और फिर लो फिर वह सुपाच्य हो गया फिर वह ग्राह्य हो गया ओंकार साक्षात पर ब्रह्म का वाचक और इसलिए ओंकार के जब का अधिकार हमारी परंपरा में केवल सन्यासियों को दिया गया सरल नाम भगवान राम का है मत रामदास स्वामी वर्णन करते हैं बहुसाजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे राम नाम जितना सरल कोई अन्य नाम नहीं छोटा भी अन्य कोई नाम नहीं और बता दूं प्रभावी भी अन्य कोई नाम नहीं हे तु तो कृषानु भानु हिम को गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम की महिमा बतलाते हुए कहा किस नाम में तीन बीज है अग्नि का बीज र है सूर्य का बीज अ है और चंद्रमा का बीज म है हेतु कृषानु भानु हिम कर को इन तीनों बीजों का उसमें सम्मिलन है और इसलिए यह नाम हमारे सारे पातकों को जला करके उनका नाश करके अत्यंत शीतलता हमें प्रदान कर देता है ब्रह्मांधि समुद्भव गोस्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर उसका वर्णन किया ब्रह्मां भोदि ब्रह्म का अर्थ है वेद संपूर्ण वेद वांगमय का सार एक राम नाम में आया ऐसा हमारे समस्त संतों ने खुल करके कहा एक सुंदर घटना हमारे पुराणों में आती है एक बार देवताओं में मानवों में और दानवों में झगड़ा हो गया सबने सुना चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम भगवान श्री राम का चरित्र शतकोटि प्रविस्तर है तो दानवों ने देवताओं ने और मानवों ने मिलकर के बिचार के नहीं अपने को बांट लेना चाहिए अब ये बंटवारा करे कौन बंटवारा करने के लिए शिव जी के पास गए भगवान महादेव जी ने बंटवारा किया शतकोटि है तो तैतीस तैतीस करोड़ एक एक को दे दिया फिर भी एक करोड़ रह गया अब एक करोड़ का बंटवारा करना था तो तैतीस तैतीस लाख दे दिया फिर भी एक लाख रह गया एक बंटवारा तीनों में करना था तो तैतीस तैतीस हजार दे दिया फिर भी एक हजार रह गया फिर एक हजार का बंटवारा तीनों में करना था तो उन्होंने तीन सौ तैतीस तीन सौ तैतीस दे दिया फिर भी एक रह गया अब एक सौ जब रह गया तो उसका बंटवारा किया तैतीस तैतीस दे दिया फिर भी एक रह गया शतकोटि प्रविस्तरम से बंटवारा करते करते एक श्लोक बाकी रह गया अब इस एक श्लोक का बंटवारा कैसे किया जाए भगवान शिव जी ने कहा अब इस एक श्लोक को तो बांटना कैसे तो उन्होंने कहा कि छंद है इस पे बत्तीस अक्षर है तो दस दस अक्षर बांट देते हैं तो दस दस अक्षर बांट दिए देवताओं को दानवों को मानवों को फिर भी दो बज गए शिवजी ने कहा अब इतना काम मैंने आपके बंटवारे का किया तो मेरा कुछ कमीशन होना चाहिए दो नाम मैं ले लेता दो अक्षर मैं लेता हूं कहा दो अक्षर आप ले लीजिए भगवान जी ने बाकी सब बांट दिया राम नाम स्वयं ग्रहण कर लिया श्रीमद शंभु सुंदरवरे सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा उस राम नाम का जप करते रहे भगवान महादेव जी महाराज जो आदि योगी है और आश्चर्य की बात यह है उसी राम नाम का उपदेश काशी में विश्वनाथ भगवान जिस जो भी व्यक्ति वहां पर अपना प्राण छोड़ता है उसके दक्षिण कर्ण में उस रामनाम का उपदेश करते वह नाम ही तारक ब्रह्म कहलाता है आपको क्या लगता है ये सारी काल्पनिक बातें हैं ठाकुर कृष्ण देव की जीवनी आप पढ़िएगा मित्रों एक ही बार ठाकुर राम कृष्ण देव काशी गए थे और जब उन्होंने नौका से गंगा जी से वे नौका से चले मणिकर्णिका आते ही वे उठ करके खड़े हो गए हाथ जोड़ करके लोगों ने पूछा भाव समाधि के उतरने के पश्चात उन्होंने कहा मैंने एक मरणासन्न व्यक्ति के कान में राम नाम का उपदेश करते हुए भगवान महादेव को देखा ठाकुर देव ने साक्षात भगवान महादेव को व्यक्ति के दक्षिण कर्ण में राम नाम का उपदेश करते हुए देखा आप इसका अविश्वास करेंगे ये दो अक्षर जो भगवान श्री महादेव जी ने चुने ये सामान्य अक्षर नहीं है भरजनम भव बीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जन यम दूता राम, राम गर्जनम जनम भो नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनयदूता नाम राम राम गर्जनम इस श्लोक को आत्मसात कर लीजिए मुझे आपसे यह कहना है यदि आपके अंतकरण में कोई मनोकामनाएं हैं वो कामनाएं है भी राम नाम के जब से पूर्ण होकर के रहेगी अर्जनम सुख इतना भी वेदांत पढ़िए मित्रों वासनाएं नष्ट नहीं होती है मनोनाश नहीं होता है आखिर सारा वेदांत पढ़कर के करना क्या होता है हम लोगों को हम वासनाक्षय है चाहते हैं मनोनाश चाहते हैं और तत्वज्ञान चाहते हैं तत्व ज्ञान होना अक्षय होना मनोनाश होना यही तो आवश्यक है एक राम नाम ये तीनों बातें करने में समर्थ है बुद्धि के लिए आप वेदांत तो को पढ़ते रहिएगा लेकिन शांत तो बैठ करके रोज राम नाम का जप करते रहिएगा आपको भीतर से बाहर से बदल देगा नहीं नहीं जहां आप बैठेंगे उस वातावरण को बदल देगा भर्जनम भोगबीया अर्जनं अर्जनम सुख संपदाम तर्जन राम रामे गर्जनम लेकिन राम नाम की गर्जना कीजिए कंठ से कीजिए अपने भीतर से कीजिए अपने पूरे मन से कीजिए जप यज्ञ भी है जप योग भी है और इस जप योग को साध्य करने के लिए आवश्यकता होती है उसकी धुन लग जाए है यज्ञ और योग में एक अंतर है देखिए यज्ञान जप यज्ञ में ऐसा भगवान ने कहा जब यज्ञ करना होता है ना तो हर एक बात नपी तुली होनी चाहिए जिस किसी अग्नि में जो कुछ पदार्थ डाल दिए गए उसको यज्ञ नहीं बोलते हैं वह अग्नि विधिवत स्थापित होना चाहिए कौन से पदार्थ की आहुति है यह निश्चित होना चाहिए आहुति कितनी संख्या में देनी है वह भी निश्चित होना चाहिए एक एक आहुति का प्रमाण कितना होता है वह भी निश्चित होता है और ऐसे जब उस अग्नि में हवन किया जाता है नियत संख्या से नियत आहुति का अधिकारी यजमान के द्वारा तब वह यज्ञ कहलाता है जप भी यज्ञ है इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने उसको आरंभ में यज्ञ का रूप दिया एक बात ध्यान में रखिएगा भगवान के नाम की और भगवान के नाम के जप की महिमा गाते गाते कभी कभी हम उसे ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं जमोहा लेते लेते भी राम नाम कह दिया चलते फिरते घूमते हुए भी आपने भगवान का कोई भी नाम ले लिया उससे पापनाश होगा यह तो बात निश्चित है उससे अनुभूति प्राप्त नहीं होती है अनुभूति का मार्ग ये नहीं है अनुभूति के लिए तो नियत समय पर नियत आसन में नियत संख्या में जप करने का पहले नियम लेना पड़ता है तब जाकर के हमारे मन को और हमारे तन को कुछ अच्छी आदतें लगती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस अष्टांग योग में भी जो आसन की महिमा है स्थिर सुखम आसनम उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य योग्य भूमि के ऊपर स्थिरता से सीधे हम बैठ करके और कुछ साधन करें ये अपेक्षित ही होता है और इसीलिए आप देखेंगे जिन महात्माओं ने केवल जप के माध्यम से भी सिद्धियां प्राप्त की उन महात्माओं ने पहले अपने जप को नियत संख्या में किया हमारे यहां गायत्री के पुरस्रण का नियम होता है समर्थ रामदास स्वामी जैसे गुरु ने गोदावरी के तट पर बारह वर्षों तक बैठ करके और श्री राम अजय राम अजय जय राम इस मंत्र का तेरह करोड़ जप किया द ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ टोटली उसके लिए नियत संख्या होनी चाहिए नियत आसन होना चाहिए कुछ नियमों का पालन होना चाहिए तब जाकर के अनुभूति का द्वार खुलता है नाम की महिमा यह अवश्य है कि नाम कभी भी लिया जा सकता है कोई भी ले सकता है उसके लिए न माला की आवश्यकता है न किसी विधि निषेध का विचार है लेकिन इस ओवर सिंप्लीफिकेशन की बात में इस अति सरलीकरण की प्रक्रिया में हम लोग अनुभूति से भटक जाते हैं नाम के प्रभाव से पाप का नाश होना यह अलग बात है और नाम का योग के रूप में उपयोग करके अनुभूति तक पहुंच जाना यह अलग बात है यदि परमात्मा अनुभूति चाहिए तो चाहे राम नाम का क्यों ना हो वो जब भी कुछ नियत संख्या में होना आवश्यक है क्योंकि राम नाम का जब अंततो गत्वा हम लोगों को आत्मज्ञान देने के लिए पूरी तरह समर्थ है किंब होना जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं ना तो प्राय हम लोगों के सामने दशरथ नंदन भगवान श्री राम का सुंदर विग्रह आता है बहुत अच्छी बात भगवान श्री राम के सुगुण साकार स्वरूप में हमारा प्रेम हो जाए बहुत अच्छी बात नाम की विलक्षणता यह है कि भगवान को दशरथ नंदन न मानने वाले उनको सगुण साकार न मानने वाले भी अत्यंत बड़े बड़े योगियों ने राम का नाम लिया कबीरदास जी महाराज दशरथ नंदन श्री राम का नाम नहीं लेते हैं दादू संप्रदाय में राम सनी संप्रदाय में अथवा तो अनेक अन्य निर्गुणी संप्रदायों में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ऐसा नहीं माना जाता वहां भगवान का स्वरूप निर्गुण है आत्मा राम हमारी आत्मा का ही नाम है राम स्वयं आत्मा चतुष्पाद मांडू के उपनिषद ने क्या कहा ओंकार आत्मतत्व है उसी प्रकार राम भी आत्मतत्व है भ्रमते योगिनो यस्मिन जिसमें बड़े बड़े योगी रम जाते हैं नित्यानंदे जिस आत्मतत्व में योगी लोग रमण करते हैं उस आत्मतत्व का नाम राम है अब उसकी अनुभूति प्राप्त करनी है यदि अनुभूति के भीतर प्रवेश करना है तब तो निर्गुण और सगुण इन दोनों को अपने बीच में लेकर के चलने वाला यह नाम हमारे लिए सर्वोत्तम आलंबन हो सकता है चाहे निर्गुणवादी है चाहे सुगुणवादी लोग हैं। राम नाम दोनों का आलम्बन है दोनों के मध्य में है गोस्वामी जी महाराज तो राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए एक बड़ी अद्भुत बात बताते हैं वे कहते हैं कि भीतर और बाहर दोनों और प्रकाश प्र... निर्माण करने वाला अद्भुत दीपक है राम नाम मनी दीप धरू जी हे हरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार राम नाम की महिमा को देखो जिस प्रकार राम नाम निर्गुण पंथियों के लिए भी उपयोगी और सगुण भक्तों के लिए भी उपयोगी उसी प्रकार जिसे बाहर की समृद्धि चाहिए उसके लिए भी उपयोगी और जिसे आत्म शांति चाहिए उसके भी लिए उपयोगी इसलिए वे कहते हैं यह हमारी जिह्वा है ना यह जिवा बहिर्जगत और अंतर जगत दोनों के बीच की देहरी है यदि घर में एक ही दीपक है तो हमारे संस्कृत शास्त्रों में आता है देहली दीपन्याय देहली दीपन्याय इसका अर्थ ऐसा है दीपक एक ही है और अंधेरा हो गया है तो उसको देहली पर रख दिया जाए तो भीतर भी प्रकाश दिखता है बाहर भी प्रकाश मिलता है उसी प्रकार राम नाम के रत्न दीप को यदि जिह्वा के ऊपर रख लिया गया तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश बाहर का प्रकाश समृद्धि का और भीतर का प्रकाश शांति का भीतर शांति प्रदान करता है बाहर समृद्धि प्रदान करता है इसीलिए भर्जनम भो बीजा नाम अर्जनम सुख संपदा तर्जन यमुदूता नाम राम रामे गर्जनम यह गर्जन जिब्वा पर रखे हुए इस राम नाम के द्वारा जब नियत रूप से होता है योग की पद्धति से होता है तब जाकर के अनुभूति का द्वार खुल सकता है मित्रों मन बहुत सरल है लेकिन इस मन को भी ग्रहण करना पड़ता है और इसलिए यज्ञ के रूप में अथवा योगाभ्यास के रूप में जब एक अनुशासन के द्वारा हम लोग आसन पर बैठ करके इस नाम के जप का आरंभ करते हैं तो जो होता है वह अद्भुत है तो जो घटता है वह अद्भुत है हे तुपानु तो भानु हिमकर को एक बात और भी ध्यान में लेनी चाहिए संतों की वाणी का ठीक से अनुगमन करते रहना चाहिए तब बातें ध्यान में आती है वैसे आप आसन पर बैठ करके रोज केवल राम कहिए केवल राम, राम 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 का दीर्घ उच्चारण करते रहिए उसका अद्भुत परिणाम आप देखेंगे अद्भुत परिणाम आप देखेंगे just द phonetic effect इफेक्ट यह करके देखने की बात है हम लोगों ने शिविरों में इसको करके देखा है और व्यक्तिगत रूप में मैं आपको निसंकोच एक बात बताता हूं कि केवल इस प्रदीर्घ राम नाम के उच्चारण से डीप कोमा में गए हुए दो पेशेंट्स बाहर आ गए प्रदीर्घ राम नाम के उच्चारण से लेकिन यह बात गौण है जो बात मुझे प्रमुख कहनी है वो ये हेतु कृषानु भानु हिमकर को यहां पर जो तीन बातें कही गई अग्नि सूर्य और चंद्रमा जो की देवता अग्नि है नेत्रों की देवता सूर्य है और मन की देवता चंद्रमा है तो हमारी जिह्वा राम का जप करती रहे हमारे नेत्र भगवान श्री राम के सगुण साकार विग्रह की ओर निहारते रहे और हमारा मन प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, इस प्रकार आप बैठ करके भगवान श्री राम के नाम का कुछ समय तक तो रोज रो नियमित रूप से जप करके देखिएगा आपको समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं निर्माण रहेगी हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं समाधि आपको ढूंढते ढूंढते आकर के अपने आप स्वयं पहुंच जाएगी आप कहां उसके पीछे दौड़ते हैं आप अपने जिब्बा को राम नाम के समर्पित कर दीजिए आप अपने नेत्रों को श्री राम के सुंदर स्वरूप की ओर समर्पित कर दीजिए और अपने मन को राम प्रेम से भर दीजिए ज्ञानेश्वर महाराज के शब्द बतलाता हूं समाधि घर पुसे मानसाचे समाधि आपको ढूंढती आएगी आरंभ में एक अवश्य कुछ नियम के रूप में करना पड़ेगा लेकिन बाद में जब आपका मन उसमें उंडेला जाएगा जब अंतकरण राम प्रेम से भर जाएगा तब अपने आप जो दिव्यता जीवन में साकार होगी वो केवल अद्भुत है वो केवल अद्भुत है और प्रिय राम प्रिय राम नाम केवल वैखरी पर नहीं रह जाता धीरे धीरे वह पश्चंती में मध्यमा में प्रवेश करता है मध्यंती से पश्च पहले वैखरी पर फिर मध्यमा पर फिर पश्चंती में और फिर परा में प्रवेश करता है और जब उसके साथ एक रूप हो जाता है तब आप भी उसके साथ एक रूप हो गए मित्रों वैखरी से मध्यमा पश्चंती और परा तक पहुंच करके यह भगवान का मंगलमय नाम पुनः जब पश्चन्ती मध्यमा करता हुआ वैखरी तक आता है उस समय जो अनुभूति होती है उन शब्दों में शक्तिपात करने का सामर्थ्य होता है शब्दों में क्योंकि तो ये शब्द सामान्य नहीं रहे आप लोग जानते हैं हमारी वाणी के चार भाग हैं वैखरी के माध्यम मद्दिम से मध्यमा पश्चंती परा तक पहुंच करके जब परा में डूब करके पुनः बेशब्द बाहर आते हैं तो बेशब्द मंत्रमय हो जाते हैं वे शब्द सिद्धों के शब्द हो जाते हैं और ध्यान रखना हमारे सारे संतों ने जो वांग्मय दिया है वो इस प्रकार का वांग्मय है कविता लिखने वाला आजकल का कोरा साहित्यिक एक अलग बात है और हमारे गोस्वामी जी महाराज जब लिखते हैं समत रामदास स्वामी महाराज जब लिखते हैं साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज जब लिखते हैं वो सारी वाणी मंत्रमयी वाणी है बस सब कुछ बदल सकती है हमारे सारे सिद्धों की वाणी इस प्रकार की रही और यह जितना सरलता से राम नाम से होता है उतना सरलता से अन्य उपायों से होना कठिन लगता है जिसको हो जाए अच्छा ही लेकिन साजिरे स्वर्प सोपे फुकाचे सबसे सरल राम नाम है इसलिए सर्वाधिक प्रभाव सर्वाधिक सरलता सबसे छोटा लघुतम ऐसा यह दिव्य मंत्र राम अपने आप में अपने आप में भगवान नाम भी है और मंत्र भी है कोई बहुत बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है मित्रों राम यह नाम ही परिपूर्ण मंत्र है कुरियाद अन्य नवाकुरिया कुछ भी अन्य करे चाहे न करे हमारे कितने संत केवल राम नाम का उच्चारण करने से सिद्ध हो गए वेदांत के पोथे पढ़कर के अनुभूति का मार्ग नहीं खुलता है आत्मा बारे श्रोतव्या द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासित व्या कहा है ना उसका निधिध्यासन कैसे करेंगे उसके निधिध्यासन का सर्वोच्च आलंबन ये राम नाम है क्योंकि राम आत्मा राम है बस उसके साथ प्रेम हो जाए उसके लिए समय दिया जाए उसका आदर किया जाए। शत्रु दीर्घ काल भगवान पतंजलि ने कितने सुंदर शब्दों में कहा दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दो चार दिन करने से नहीं होगा कुछ दीर्घ काल करना पड़ेगा रोज करना पड़ेगा और श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा बिना श्रद्धा से लिया हुआ राम भी राम नाम भी पापनाश करता है लेकिन मैं बात कर रहा हूं अनुभूति की बात वो अनुभूति आनी है तो निश्चित रूप से समय देना पड़ेगा रोज करना पड़ेगा और श्रद्धा प्रेम के साथ करना पड़ेगा भारत के ही नहीं विश्व के सारे संतों ने नाम का आश्रय लिया जप का आश्रय लिया वाणी हमारे अधीन है बाहर के उपचारों की आवश्यकता नहीं राम नाम बड़ा सरल है फिर भी यदि हमसे साधन नहीं होता होगा दुर्दैव मित्रश महाजन अनुराग चैतन्य महाप्रभु कहते यह हमारा दुर्दैव है लेकिन सद्भाग्य है हमारा किसान साधना साधनालय के माध्यम से आज पुनः हम इस राम नाम का कुछ चिंतन कर पाए हैं एक श्रेष्ठम एक परम ऐसा श्रुति ने ओंकार के लिए कहा वही बात राम नाम के लिए ओंकार कठिन है राम नाम सरल है गिरने वाले बर्फ के ओले भी H2O ही होते हैं और पानी भी एस टू ओ ही होता है दोनों का तत्व एक होने पर भी दोनों का रूप अलग है ओंकार निर्गुण प्रधान है राम सगुण निर्गुण दोनों को लेकर के चलने वाला है इसलिए उसका स्वाद कुछ अलग है छोटे बच्चों को जल में खेलना जितना अच्छा लगता है उससे ज्यादा ओले के साथ खेलना अच्छा लगता है पिघला हुआ घी जितना मीठा नहीं लगता है, उतना जमा हुआ घी जाडे के दिनों में खाने में स्वादिष्ट लगता है संत एकनाथ महाराज आज एक नाथ श्रेष्ठी है संत एकनाथ महाराज स्वयं कहते हैं भगवान का सुगुण रूप जो जमे हुए घी के समान स्वादिष्ट है उस स्वादिष्ट भगवान भगवत रूप का चिंतन करते हुए जब नाम लिया जाता है तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है सारा जीवन बदल जाता है राम नाम का यह मंगल दीप प्रकट होकर के उनका अंतर्वाय तुमनाश हो जाए इस प्रकार की शुभकामना सबके लिए वितरित करता हुआ राम नाम का चिंतन करने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिए चिन्मय मिशन का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इसी भगवान श्री राम के अयोध्या की जन्मभूमि के स्थित मंदिर के निर्माण कार्य में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा करने का इस जीव को कुछ भाग्य मिला इसलिए आश्वस्त भी करना चाहूंगा अयोध्या में बनने वाला यह राम मंदिर यह केवल अन्य राम मंदिरों जैसा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण का भव्य मंदिर बनने वाला है वहां पर जो शिला पूजन हमने देखा वह केवल एक सामान्य मंदिर का नहीं आत्मनिर्भर आत्मविश्वास संपन्न और समृद्ध भारत के उत्थान का वह शिला पूजन रहा भगवान श्री राम प्रेम और पुरुषार्थ दोनों की मूर्ति है हमारा राष्ट्र पुरुषार्थ ही रहे विश्व प्रेमी बना रहे विश्व के उद्धार और मांगल्य के लिए अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता रहे और उस राष्ट्र को खड़ा करने में उसकी सेवा करने में हम लोगों का जीवन भी सार्थक हो जाए इतनी कृपाशी परमात्मा हम लोगों पर करे इस प्रार्थना के साथ सभी को धन्यवाद